दोस्तों मोदी गवर्नमेंट में कुछ हो या फिर ना हो, लेकिन एक चीज जरूर है कि मोदी गवर्नमेंट कभी भी हमारी सुरक्षा को लेके कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करती है। यानी कि दोस्तों हमारी सेना को लेके मोदी गवर्नमेंट कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती है। अभी आपको पता होगा कि आज हमारा INS विक्रांत हमारी सेना में शामिल कर लिया गया है। और यहाँ पे एक और भी बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, भारत की एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही खतरनाक मिसाइल को लेके, जिस मिसाइल का इंतजार सभी भारतवासियों को सबसे ज्यादा है। इतनी ज्यादा खतरनाक दोस्तों ये मिसाइल है कि अमेरिका के किसी भी शहर को टारगेट कर सकती है। यहाँ तक कि दुनिया में शायद ऐसा कोई देश होगा जिस पर ये मिसाइल हमला नहीं कर सकती है। और आप ये भी जान लीजिए कि चाइना तो चाइना बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया जैसे देश भी इस मिसाइल से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस मिसाइल के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज के लगभग 4 से 5 साल पहले जब भारत ने अपनी K4 मिसाइल का परीक्षण किया था, तब उसके बाद दोस्तों चाइना ने बहुत ही ज्यादा इस मिसाइल को उछाला था। इस मिसाइल के मुद्दे को वो UN तक भी लेके गया था। उन्होंने ये कहा कि भारत की ये मिसाइल दुनिया के लिए खतरा हो सकती है। दोस्तों हालांकि जो हमारी K4 मिसाइल थी उसकी रेंज सिर्फ 4000 से 5000 किलोमीटर थी, लेकिन दोस्तों वो SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थी, इस वजह से वो बेहद ही ज्यादा खतरनाक थी। और ऐसी मिसाइलों को मार के गिरा पाना बिल्कुल असंभव होता है, क्योंकि सबमरीन समुद्र के अंदर ही अंदर कहीं पर भी चल सकती हैं और वो कैसे भी किसी भी परिस्थिति में हमला कर सकती हैं। एक हिसाब से दोस्तों किसी भी देश के लिए SLBM मिसाइलें जो होती हैं दूसरी क्षमता होती है हमला करने की। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए किसी भी देश को आप तबाह कर सकते, यानी कि दोस्तों आप ये मान लीजिए कि आप किसी भी देश को अगर तबाह भी कर देते हो तब भी वो देश आपको तबाह कर सकता है। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे K4 मिसाइल के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे K5 मिसाइल के बारे में। K5 मिसाइल की रेंज दोस्तों यहाँ पे भारत लगभग 5000 से 8000 किलोमीटर बताता है। और वाकई में दोस्तों ये मिसाइल काफी ज्यादा खतरनाक होगी और इस मिसाइल के बारे में कई सारी खबरें भी निकल के आई हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक खबर निकल के आई थी कि इसका पॉपअप टेस्ट किया जा चुका है और आगे आने वाले समय में दोस्तों इसके कई सारे और भी टेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों लगभग 2023 के लास्ट तक इसे भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाएगा। दोस्तों काफी एडवांस और आज के मॉडल जमाने के हिसाब से ये मिसाइल बनाई जा रही है। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे चाइना पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश भी इससे बहुत ही ज्यादा घबराते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको शुरुआत में बताया कि इस मिसाइल की रेंज ही लगभग 5000 किलोमीटर से ज्यादा होगी, वहीं पर ये बैलिस्टिक मिसाइल होगी तो इसकी जो स्पीड भी होगी वो काफी अच्छी खासी होगी, लगभग 15 मैक से ज्यादा। इसी वजह से इसे रोक पाना बिल्कुल असंभव है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है भारत की SLBM K5 मिसाइल के बारे में, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। चलते चलते बस आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।